कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पढ़ाई.com में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण। आज हम जानेंगे सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा, उपयोग, विशेषता एवं महत्व के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा जान लेते हैं। यह शिक्षण प्रक्रिया का संकुचित रूप होता है, यानी कि छोटा रूप होता है। माइक्रो टीचिंग में छात्रों की संख्या एवं समय की अधिकता को कम कर दिया जाता है और इसका निर्माण छात्रों में शिक्षा कौशल को विकसित करने के लिए किया गया है। जब छात्र अध्यापक शिक्षण के दौरान शिक्षण कार्य करते हैं तो उस समय उनके सामने छात्रों की उपस्थिति को सीमित कर 5 या 6 कर दिया जाता है। तत्पश्चात छात्राध्यापक जो है अपना शिक्षण आरंभ करते हैं। आगे है सूक्ष्म शिक्षण को शिक्षण के संकुचित रूप में देखा व समझा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापकों में शिक्षण के कौशल को एक साथ उपयोग न करके उनको एक एक छोटा प्लेन बनाने को कहा जाता है एवं एक समय में सिर्फ एक कौशल करवाया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का विकास अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में हुआ था। तो सूक्ष्म शिक्षण का विकास या पहला प्रयोग जो भी है अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 को हुआ था। और इसका अर्थ ये है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको सूक्ष्म और छोटा बनाकर कम लोगों के बीच किया जाता है, तो इसलिए इसे माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। आगे है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग में छात्र अध्यापकों से पाठ का योजना का निर्माण करवाया जाता है और वह शिक्षण करते हैं, फिर अध्यापकों एवं छात्रों से प्रतिपुष्टि प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक देने को कहा जाता है। यह प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाती है जिसे सूक्ष्म शिक्षण चक्र या साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन जान लिया सूक्ष्म शिक्षण का, अब हम जानेंगे डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। तो एलेन महोदय के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। और दूसरा है B.M. सोर महोदय के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रवधि है। और आगे है दोस्तों B.K. पासी महोदय के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग एक प्रशिक्षण तकनीक है जो छात्र अध्यापकों से यह अपेक्षा रखती है कि वे किसी तथ्य को थोड़े से छात्रों को कम समय में किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण दे। हमने इसका इंट्रोडक्शन और परिभाषा जान लिया दोस्तों, अब आगे जानेंगे हम सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता। पहला है यह कम समय में अधिक गुणवत्ता प्रदान करने की प्रविधि है। दूसरा सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग एक व्यक्तिगत शिक्षण है। आगे है सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक ही कौशल विकास करके या करने का लक्ष्य रखा जाता है। चौथा है सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत छात्रों की संख्या में कटौती करके 5 या 6 तक रखी जाती है। और पांचवा दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण में समय की अवधि को कम करके 5 से 10 मिनट रखा जाता है। और छठवां है इसके अंतर्गत उचित एवं तत्काल प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक की व्यवस्था की जाती है। यानी कुल मिला जुला के दोस्तों इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इसकी उपयोगिता को हमने देखा, मतलब विशेषता को, तो उसमें यही दिया है कि सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग एक व्यक्तिगत शिक्षण है जिसके अंदर कम समय में लोगों को गुणवत्ता प्रदान की जाती है और साथ ही साथ कई शिक्षण कौशल नहीं बल्कि एक सूक्ष्म शिक्षण है उसमें एक ही कौशल का लक्ष्य रखा जाता है या बच्चों में एक ही कौशल का विकास किया जा सकता है। और वो अवधि या तो कम से कम 5 से 10 मिनट की रखी जा सकती है और सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत 6 से 7 बच्चे हो सकते हैं। और यहाँ तक इतने ही कम टीचिंग में यानी कि इतने ही कम समय में जो टीचिंग होती है उसका तत्काल फीडबैक लेने की व्यवस्था होती है, यानी कि तत्काल फीडबैक ली भी जाती है। तो दोस्तों आगे जानेंगे हम इसके उपयोगिता के बारे में, सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्र अध्यापकों में आसानी से कौशलों का विकास किया जा सकता है कम समय में। दूसरा है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, ये भी अभी हमने विशेषता में भी यही पढ़ा। आगे है इस प्रकार से छात्र अध्यापक कम समय में अधिक सीख पाते हैं, यानी कि एक ही कौशल के द्वारा कम समय में कम छात्रों में कम अवधि में बालक में गुणवत्ता का विकास कराना और अधिक सीखने का या अधिक सिखाने का प्रयास कराना।
चौथा है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा उत्तम शिक्षण का निर्माण किया जाता है, और पांचवा है इसके द्वारा छात्रों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाना संभव है, यानी कि तुरंत उसका मूल्यांकन या फीडबैक लिया जाना जो संभव है। आगे दोस्तों इसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती है, जैसे कि छात्राध्यापकों को शिक्षण शुरू करने से पूर्व पाठ योजना का निर्माण कर लेना चाहिए, क्योंकि कम समय होता है तो उतने समय में जो कम समय 5 से 10 मिनट मिलता है उतने समय में हम जो पढ़ाना है उसका योजना नहीं बना पाएंगे या निर्माण नहीं कर पाएंगे, तो ये पहले से हमें कर लेना चाहिए। दूसरा है एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का विकास करना चाहिए, यानी कि कम समय होता है तो एक ही शिक्षण कौशल को लेना चाहिए, नहीं तो अवधि भी बढ़ेगी और क्या है सूक्ष्म शिक्षण का मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। आगे है जब छात्राध्यापक शिक्षण कर रहे हों तो उनको उचित प्रतिपुष्टि या फीडबैक और प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। चौथा है इसके द्वारा वस्तुनिष्ठ को क्रमबद्ध तरीके के साथ व्यवस्थित रखना चाहिए, यानी कि जो हमें पढ़ाना है जिस पाठ्य वस्तु को वो क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, यानी कि चौथे नंबर के टॉपिक को हम पहले नंबर के टॉपिक को चौथे नंबर पे पढ़ाएं। पांचवा सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापकों को उचित सुझाव ही देनी चाहिए, अन्यथा उनके मनोबल में कमी आ सकती है। दोस्तों जैसे अभी हमने तीसरा नंबर पढ़ा कि छात्राध्यापक जब शिक्षण कर रहे होते हैं तो उन्हें फीडबैक भी देना चाहिए और प्रशंसा भी करनी चाहिए, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, वैसे ही उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें उचित सुझाव देना भी आवश्यक होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना सूक्ष्म शिक्षण का छोटा सा परिचय दिया हमने, इंट्रोडक्शन जाना, दूसरा हमने उसकी परिभाषा के बारे में जाना, विशेषता, उपयोगिता और सावधानियों के बारे में। तो दोस्तों आप सबको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।